please like and subscribe the channel. Hello, hi, welcome back. This is Raj Kamal. Today I'm going to discuss my lecture series continue कर रहा हूँ मैं. मेरा जो है 200 तक, एक से लेकर 200 तक क्वेश्चन हो चुका है. अब जो है 201 से 250 तक के क्वेश्चंस को मैं अभी डिस्कस करूँगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड का यूज किया जाता है. आगे चलते हैं. कह रहा है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से प्रवर्तित होता है? तो दीर्घ वाला जो होता है पृथ्वी के हमेशा आयन मंडल से क्या होता है, प्रवर्तित होता है. आयनोस्फीयर इसी को बोला जाता है. चलिए आगे चलते हैं. बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को प्रवर्तित करता है. तो बेतार के तार मतलब वायरलेस, बिना किसी कम्युनिकेशन तार के. तो वायरलेस के का जो है कम्युनिकेशन कहाँ से होता है? आयनोस्फीयर. किससे होता है? आयनोस्फीयर. इसी को आयनोस्फीयर या आयनोमंडल हिंदी में बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. 104 कह रहा है, रेडियो तरंग का विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? आयनमंडल. ये सब सिमिलर क्वेश्चन है. आगे चलिए. दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान है ना, दैर्घ्यमान अपसार होता है. ये जो होते हैं तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य का जो प्रसार मान होता है वो कितना होता है? तो मीटर के अंदर क्या होते हैं, देखो ये हम जानते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होता है. तो यहाँ पे उस टाइप का कोई आंसर मैच नहीं कर रहा. तो ये एक है 390 से लेकर 750 नैनोमीटर. एंगस्ट्रम में अगर पूछता है तो 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच आंसर होता है. ये चीज़ ध्यान रहे आगे. चलिए 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. 106 कहता है हमारे लिए कि कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती. शून्य मतलब जिसमें मीडियम ना हो. तो बिना मीडियम में कब किस में करेगी, कौन? ध्वनि को लिए मीडियम चाहिए, बाकी सब शून्य में वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है. नेक्स्ट 207 कह रहा है आपसे कि दो उत्तरोत्तर श्रृंखला सक्सेसिव क्रेस्ट और दो सक्सेसिव ट्रॉक के बीच जो होती है दूरी को क्या कहते हैं? ये देखिए, ये होते हैं ये इसको कहते हैं ट्रॉ और इसको बोलते हैं क्रेस्ट. तो क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य लेमडा बोलते हैं ना, और दो क्रेस्ट के दो ट्रॉ ट्रॉ के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा बोलते हैं. तो हमारा क्या होगा, इसको इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य को. आगे बढ़िए. 208 क्या कर रहा है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग लाया जाता है? क्रिस्टल संरचना को जानने के लिए किसका प्रयोग में लाते हैं? एक्सरे का प्रयोग में लाते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़िए. एक रडार जो शत्रु का वायु की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें क्या यूज करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव. क्या चीज़ का यूज करते हैं? रेडियो वेव. आगे बढ़िए. 110 का कह रहा है, एक समताप मंडल में ओजोन की अवक्षय होता है तो पृथ्वी धरातल की पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 10^-7. आगे बढ़िए. 211 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 211 निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्ट देखने के लिए उपकरण में किया जाता है? तो ये देखने के लिए किस चीज़ का करता है, अवरक्त का. किसका करते हैं? अवरक्त का. इसी का नाम इंग्लिश में है इन्फ्रारेड, है ना, इसी का नाम इंग्लिश में इन्फ्रारेड. आगे बढ़ते हैं. आंतों की 122 कह रहा है, आंतों की रोगों में निदान के लिए किरण का उपयोग किया जाता है. आंखों के रोग के लिए निदान के लिए क्या आंतों का किसका उपयोग करते हैं? एक्स किरण का. चलिए सीटी स्कैन में बोला है किस चीज़ का प्रयोग लाई जाती है, सीटी स्कैन में एक्स रे का प्रयोग में लाई जाती है. 214 क्या कह रहा है, ध्वनि का अधिकतम होगा वेग किस में होता है? जी धातु के अंदर, मेटल में सबसे ज़्यादा होता है. लगभग 20 डिग्री तापकरण पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो किस में? हमेशा सॉलिड के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ताप ध्वनि की गति होगी. आगे बढ़ते हैं. 216 क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगें क्या होती है? निर्वात, यानी ये सब ऑप्शन नहीं है, ये सब ऑप्शन नहीं है. देखिए तो ठोस एवं गैस दोनों माध्यम चल सकती है. अगर इसमें वाटर होता तो उसमें भी चलेगा. नेक्स्ट है क्या, 217 कह रहा है, म्यूजिकल कंटेंट्स के लिए हॉल की दीवारें को कैसा करता है? जो ध्वनि को कोलाइड करके लौटने ना दे वो अवशोषित कर ले. राइट आंसर क्या है? डी, ध्वनि को अवशोषित करने वाला. 218 क्या कह रहा है, 218 कह रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि को सुनने के लिए प्रवर्ती सतह और सुनने वाले माध्यम के बीच दूरी कितनी होती है? 17 मीटर हम सेंटीमीटर 17 मीटर जो हम जनरली पढ़ते हैं 17 मीटर, लेकिन इसमें 17 नहीं है तो 16.5 मीटर भी हमारा राइट आंसर होगा. ठीक है ना. 218 के बाद 219 क्या कहता है, देखिए 219
219 कहता है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे दे, तो 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर इसमें नहीं है तो 16.5 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है ध्वनि का वेग अनुमानता कितना होता है, तो 300, देखिए 330 से लेकर 340 तक होता है इस रेंज में जब भी आएगा, तो हमारा ये है 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है चंद्रमा और धरातल के बीच दो व्यक्ति, चंद्रमा और धरातल के बीच दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन सकते हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा के धरातल पर, सॉरी चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, और साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है जिसके लिए वायुमंडल की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, प्रसव ध्वनि, ध्वनि वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है, तो प्रसव को बोलते हैं हम अल्ट्रा, प्रसव को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में आपको पता है कि साउंड की तीन क्वालिटी होती है, एक ऑडिबल जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उससे ऊपर वाली को बोलते हैं अल्ट्रा, उससे नीचे वाले को बोलते हैं इन्फ्रा। तो अल्ट्रा वायलेट के रेट 20,000 हर्ट्ज से अधिक को बोलते हैं हम अल्ट्रा, और 20,000 से कम होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रासोनिक, जिसको अवरक्त साउंड कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का मापा किससे मापा जाता है, ये क्विज कॉन्टेस्ट है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन डैश से मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो आप जो भी राइट आंसर है इसके कमेंट बॉक्स में इसके अंदर डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ साथ जिसका भी राइट आंसर और सबसे पहले होगा उसको पेटीएम के थ्रू, पेटीएम के थ्रू जो है आपको 100 रुपीज़ कैश जो होंगे मिल जाएंगे आपको अमाउंट, और आप कोशिश करें कि पेटीएम का नंबर ही मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा आपके इसके रिजल्ट के बारे में आप लोगों को डिस्कस करके बता दूँगा, और जिसका भी नाम आएगा वो क्या करेगा, मुझे पेटीएम का नंबर मुझे इस नंबर पे सेंड करेगा, वो नंबर मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, 9355937179, इस पे अपना डिटेल, जिसका भी नाम कल मैं बताऊंगा वो अपना डिटेल भेजेगा, मैं उसे पेटीएम के थ्रू 100 रुपीज़ कैश डिपॉजिट करूंगा। आगे से इस तरह का ही क्यूज़ रहेगा जो मैं बार बार कहूंगा, और जो भी इसका रिजल्ट देगा उसको 100 रुपये पेमेंट हो जाएंगे, और जिसके पास पेमेंट का अकाउंट नहीं है पेटीएम पे वो अकाउंट नंबर सेंड करेगा, लेकिन इसका रिजल्ट मैं बता दूंगा किसने पहले जवाब दिया है राइट, उसको भेजना है कमेंट बॉक्स में, और उसका जवाब मैं कल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो डिस्कशन होगा सोल्यूशन सेट चौथा पाँचवा में या छठा सोल्यूशन में, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कौन इसके जो विनर रहे हैं उसको मैं सेंड करूंगा इसके अंदर। ओके गाइस, तो आगे क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चंस है नेक्स्ट, हमारा 122 तक हो चुका है, 123 को देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 227 का कि एक जैविक पद्धति में प्रसव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो प्रसव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है इस किसके लिए, सोनोग्राफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि वो प्रसव ध्वनि निकालते हैं और उन्हीं से द्वारा निर्देशित हो जाते हैं वो, तो डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखें आप, क्योंकि क्विज है बहुत फास्ट आपको करना है, रिवाइज करना है, इसलिए ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, आप फटाफट आंसर इस चीज़ का देखें, प्रसव ध्वनि पराध्वनिक जेट जिसको आप क्या बोलते हैं, पराध्वनिक को आप क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना, जेट की ध्वनि उड़ान के कारण क्या होता है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओजोन लेयर में बाधा होता है, इसके कारण क्या होता है, ओजोन लेयर में बाधा होता है। डेसिबल इकाई प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, राइट आंसर होगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 227 क्या कह रहा है, लगभग जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो लगभग 30 डेसिबल, और सुनने की नॉर्मल कितनी होती है, बोला जाता है कि 30 से लेकर मैक्सिमम 60 dB तक होना चाहिए नॉर्मल सुनने की रेंज। 227 17 के 27 के बाद 228 में चलते हैं, क्या कहता है 228 क्वेश्चन, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण के स्तर कितनी होनी चाहिए, एक न सुरक्षित कंडीशन के लिए बोला गया है, तो वर्ल्ड वाइड जो वो ये कंडीशन है वो है हमारे लिए 45 dB के बराबर। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब कितनी होती है,
मैक्सिमम अगर बोला जाए तो यहाँ पे है 85, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो इंसान पागल हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 dB। कितना है? एक स्टैंडर्ड जो है 60 dB के आसपास। नेक्स्ट है, जब सितारा और बांसुरी एक पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किसमें के द्वारा किए जाते हैं? तो हम क्वालिटी के द्वारा इसके अंतर को, सितारा और बांसुरी के भेद को जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं वो क्वालिटी होता है। जबकि बोला जाए एक लड़का और लड़की की आवाज़ में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं तो वो पिच होता है। वो क्या होता है? पिच। चलिए आगे बढ़ते हैं, 232 क्या कह रहा है आप देखते हैं। 232 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग सबसे की लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है? तो रेडियो वेव में। देखें, जैसे विजिबल कलर की बात करें तो रेड और ब्लू में, 7 कलर में भी रेड होते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा तरंग देर होती है। वैसे रेडियो वेव में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ होती है वो किसकी होती है? रेडियो वेव की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 233 क्या कहता है? एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से एक टीवी का रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, बताइए कौन से द्वारा होगा? तो रेडियो तरंग द्वारा। 234 क्या कहता है? 234 देखिए, टेलीविजन शाही ग्राही टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग लाई जाती है? तो अब यहाँ पे होगा हमारे लिए अवरक्त। चलिए, 234 के बाद 235 देखते हैं क्या कहता है। 235 कहता है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है, वो होते हैं दूरदर्शन चित्र यानी इमेज संचारण कैसे होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको आयाम मॉड्यूलेशन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 236 बोला क्या कह रहा है, 1 kW घंटा कितने के बराबर? तो इसको याद नहीं रखना, मैं बता देता हूँ। 1 kW घंटा बोला है, 1 किलो को 1000 लिख सकते हैं, वाट को लिखा वाट, और किलो को इसमें जो आवर है उसको सेकेंड में बदलिए, 60 गुना 60। अब बदलिए ये क्या हो गया, जितना इसको गुना करिए तो ये होगा 3.6 × 10⁶। अब देखिए क्या बच गया, वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को ही ना जूल बोलते हैं, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। 237 क्या कहता है? 237 कहता है कि डायनमो जिससे बिजली उत्पादन कथित रूप से लाते हैं, वो वास्तव में क्या करता है? डायनमो जिससे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवर्तक होता है। कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवर्तक होता है। नेक्स्ट चलिए, 238 क्या कहता है? डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो क्या परिवर्तित करता है आप ही बताएं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट कह रहा है, टर्बाइन टर्बाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त किए जाने की ऊर्जा विद्युत किए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा है ना, हम किससे करते हैं इस चीज़ को, यानी आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब कोई ऊष्मा क्षति नहीं होती। जब विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित करेंगे तो उस टाइम हीट तो प्रोड्यूस होता ही नहीं, तो वहाँ क्षति क्या होगी? नेक्स्ट है, जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, तो वहाँ है मोटर। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है। 243 क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट 243 क्या कहता है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने से विद्युत मोटर प्रायः क्या होते हैं? जलते हैं। ठीक है, जलते हैं तो ठीक है, इसमें क्या ऐसा रीजन होता है? क्योंकि मुझे बहुत अत्यधिक धारा खींचनी है तो यार वो वोल्टेज क्या होता है? प्रतिलोमित प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है, टंगस्टन जो धातु है उसकी खोज जो है टावर्न वर्गमैन ने कब की थी? तो 1781 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बोलता है, जलते हुए बल्ब की तंतु का यानी जो वायर होता है टंगस्टन का, उसका सामान्य ताप क्या होता है? तो देखें, इसका 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 2400 डिग्री से 2500 डिग्री से भी बहुत जगह आंसर मिलेगा। 2400 तो 2500 डिग्री इस भी रेंज में आ गया, तो सी हमारा राइट आंसर आपसे। लेकिन बोलेगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन क्या होता है? तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रहे। चलिए, 246 क्वेश्चन क्या कहता है? 246 कहता है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए क्या कहता है, 247, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए हमेशा आधार से यानी बेस से, उसका अर्थिंग से जोड़ना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट के 248 कहता है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, हमेशा किस चीज़ के लिए होता है? अर्थिंग सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि हाँ इसका वोल्टेज हमेशा जीरो होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व तो कौन सा है? चांदी। ये विद्युत का भी सबसे ज़्यादा चालकता है और आपका ऊष्मा का भी सुचालक सबसे ज़्यादा है चांदी। 250 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इनमें से चुनना है, अब इनमें से सुचालक चुनना है तो वो है कॉपर। अगर चांदी होता तो सबसे पहले देते। ओके गाइज, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आज ही मैं कोशिश करूंगा कि 250 से लगभग 400 क्वेश्चन को आज रात में मैं डिस्कस कर दूं, और जो आज के विनर होंगे, मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, विनर को नेक्स्ट वीडियो में विनर का नाम बताया जाएगा। वो नाम बताते ही वो विनर क्या करेगा, मुझे अपना पेटीएम नंबर या फिर मोबाइल नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर पे अपना अकाउंट नंबर देगा। जिस भी का विनर का नाम बताऊंगा उसको मैं ट्रांजैक्शन कर दूंगा, 100 रुपीज़ विनर होगा। आज से इस टाइप का क्विज चलाता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव हों और आगे बढ़ें। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।